हमने तुमसे कहा था ना हमें अपना मुंह कभी मत दिखाना। मेरा मुंह इतना बुरा भी तो नहीं है ना, पता है बॉलीवुड के कितने सारे हीरोज की शक्ल मुझसे मिलती है। देखो मैं तो तुम्हें सॉरी बोलने आया था, अर्थात क्षमा। असत्य, चल कपट, हम तुम पे कदापि विश्वास नहीं कर सकते। ये लड़कियों के साथ ना यही प्रॉब्लम है, उनको सॉरी बोलो फिर भी नहीं मानती है। देखो मैं सच में मेरी माँ तुमसे मैं यहाँ क्षमा मांगने आया था यहाँ पे, सच्ची। अच्छा तो फिर ये क्या है? ये मुझे एक संत ने दिया था। संत? जी। किस संत ने? संत एक संत ने नहीं, संतरे वाले ने दिया था पगली। इससे ना पता क्या गुड लक आता है। मैं चलता हूँ। ओके टाटा। इतनी शीघ्रता तुम्हें क्या लगा तुम्हारी इन चटक मटक बातों से मैं उलझ जाऊंगी? बात पे छुरी काटा क्यों निकाल लेती हो तुम? हाँ चलो अब सत्यदेव के सम्मुख ही तुम्हारे सत्यता की परीक्षा। ये सत्यदेव कौन है? सत्य के देवता। शीघ्र ही तुम्हारा असत्य सत्य उगल देंगे। चलो यार तुम कहाँ लेके जा रही हो मुझे? मैंने सॉरी तो बोला था ना। अरे यार तुम्हारे सांड पिताश्री ने देख लिया ना तो वो मेरा तो देख लिया तो क्या? तो लोगों को दिल का दौरा पड़ता है, उनको किल का दौरा पड़ जाएगा, वो मेरा वध कर देंगे। यदि तुम्हारी बात सत्य ना निकली ना तो हम पैसे भी तुम्हारा वध कर देंगे, समझे? चलो अब। मुझे तो लगता था ये राजभवन चलाती, लेकिन ये तो मटन की दुकान चलाती है। घबराओ। क्यों? कौन है वहाँ? तुमने कहा कौन है वहाँ? बिल्ली मौसी, लॉन्ग टाइम नो सी। तुम चलो। शकुनी, कितने छोटे वस्त्र हैं आपके? ये वस्त्र मनुष्य के लिए बनाए गए थे, किसी सांड के लिए नहीं। क्या कहा? महाराज आज के दिन हमारे ये वस्त्र पहन लीजिए। वैसे भी वस्त्र से मनुष्य छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है। छोड़ेंगे नहीं हम उसे, हमारे ही राजभवन में घुसकर हमें ही नग्न करके भगा दिया। ना 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 ना, महाराज धृतराष्ट्र तो यहीं बाहर राजकुमारों के साथ लुका छिपी खेल रहे होंगे। लुका छिपी खेल रहे हैं, परंतु हमारे साथ, और जहां कहीं भी छिपे हैं हम उन्हें पकड़ लेंगे। महाराज उन्हें छोड़िए और अपने वस्त्रों को संभालिए, वरना कहीं आपको छुपना ना पड़े। महाराज रुकिए, हम आपके जाने का प्रबंध करते हैं। वाओ, ये इतना सुंदर सिंहासन किसकी है? सुंदर है ना? हमने बनवाया है महाराज धृतराष्ट्र के लिए। हाउ स्वीट, आप इतने अच्छे हैं। क्या मैं छू सकती हूँ? छुओ ना प्राण प्रिय, छुओ। क्या मैं इस पे बैठ सकती हूँ प्लीज? अवश्य, किंतु संभाल के। महाराज, अरे कोई जल लेके आओ। महाराज सावधान। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, आज महाराज कार्तिक पूर्णिमा के विशेष स्नान के अवसर पर स्नान गृह से अचानक अदृश्य हो गए। नहीं महाराज, हमें ऐसे कैसे छोड़ के चले गए? अब कौन बनेगा नया महाराज? शांत शांत, महाराज यमलोक नहीं गए हैं, केवल खो गए हैं।
हम स्नान गृह की सौगंध लेते हैं, धरती अंबर के किसी भी कोने से महाराज को ढूंढ लेंगे, चाहे उसके लिए रक्त की नदियां बहानी पड़े। उस स्नान गृह में फिर से जल पाएगा, हम महाराज का स्नान पूर्ण करा के लेंगे। क्या आप लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं? कैसा उत्साह! मतलब प्लूटोनियम यहीं कहीं आसपास है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मूर्ति ने हमें पहचान लिया। चलो इसका मतलब ये मूर्ति प्लूटोनियम है। क्या? कुछ नहीं, हमने मूर्ति को पहचान लिया। सुनो, यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो सत्यदेव की मूर्ति बोल उठेगी, अन्यथा चुप रहेगी। इसका क्या मतलब है? अगर मूर्ति ने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। हेलो मैडम, कभी तुमने खुद मूर्ति को बोलते हुए देखा है? किसी ने नहीं देखा है। किसी ने नहीं देखा है, इसका मतलब जानती हो क्या है? हाँ, यही कि सूर्यगण में झूठों की कमी नहीं है। यदि तुम्हारी बात असत्य निकली तो हम तुम्हें पिताश्री को सौंप देंगे, समझे तुम? सत्य और असत्य के न्याय करने वाले सत्यदेव, महासारथी संजय ने जो कुछ बताया है यदि वो सत्य है तो आपकी मूर्ति बोल उठे। बोलिए देव, बोलिए, न्याय कीजिए। देखा भी, मूर्ति का ना स्पीकर मोड कभी ऑन नहीं होता, वो हमेशा साइलेंट मोड पे ही होती है। अब हुआ विश्वास? संदेह तो हमें पहले से ही था, किंतु विश्वास भी हो गया। यही कि तुम अत्यंत झूठे व्यक्ति हो। चलो, अब तुम्हारे जीवन मृत्यु का निर्णय पिताश्री करेगा। चलो। ये बालक जो भी कह रहा है बिल्कुल सत्य है। धर्मपा जी, क्योंकि ये कैसे पॉसिबल हुआ? हमें तुमसे और भी कुछ कहना है। जी जी प्रभु, कहिए। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। संजय हमारी सर्वप्रिय संतान है, ये धीर है, वीर है, गंभीर है। ये कैसे हो सकता है? मेरे बारे में कोई इतनी तारीफ कैसे कर सकता है? प्रभु, मतलब महासारथी संजय ने जो कुछ कहा वो सत्य है? चुप करो कन्या। क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। संजय पे संदेह करना बिल्कुल हम पर संदेह करने के समान है। और ये भी सत्य है कि ये युवक तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता है, इसीलिए संजय को ही तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना होगा। हम तुम्हें ऐसी यातना देंगे कि तुम बोलोगी ही नहीं, गाना भी आरंभ कर दोगी। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे सामने सब कुछ ऐसे ही गा देगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। दासी कहाँ चली गई? महाराज धृतराष्ट्र भी दृश्य हो गए। अरे ये हो क्या रहा है? अरे हमारा मुंह क्या देख रहे हो? ढूंढो उन्हें। अरे महारानी। हाँ भ्राता शकुनी, बताइए क्या बताने वाले थे? हाँ।
महारानी घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें घबराने वाली क्या बात है, ये तो कौवे की ध्वनि है। महारानी वास्तव में ये जो बोल है वो तोते की है। आप चिंता ना करें, हम इसे बोलना सिखा देंगे। महारानी समाचार ये है कि महाराज धृतराष्ट्र का महाराज का सर्वप्रिय मुर्गा बड़े विलंब से जागा। ये महारानी आपको हर पक्षी की ध्वनि सुनाई दे रही है, परंतु महाराज धृतराष्ट्र की ध्वनि सुनाई दी नहीं। महाराज की लुक्का छुपी की गणना समाप्त हो गई होगी। महारानी तो अब आप भी गणना आरंभ कर दे, क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में है ही नहीं है। हाँ। महाराज घूमने चले गए और हमसे पूछा तक नहीं। घूमने नहीं गए महारानी, महाराज अदृश्य हो गए। अर्थात महारानी महाराज धृतराष्ट्र को एक रहस्यमय सिंहासन ने अपहरण कर लिया। हाँ, प्राणप्रिय ने अपनी आंखों से देखा। प्राणप्रिय क्या ये सत्य है? हाँ महारानी, हमने अपनी आंखों से देखा है। नहीं महाराज, 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 आश्चर्य क्या हो रहा है ये सब। कुछ क्षणों के लिए राजभवन से क्या गए, छुट्टी ले ली सबने। सेनापति कौन हो तुम? राजभवन में महाराज धृतराष्ट्र क्या घुसे? सब के सब महाराज धृतराष्ट्र हो गए, दिखाई नहीं देता। हम हैं सूर्यगढ़ के राजा महाराज सूर्यवान। दिखाई तो महाराज जैसे ही दे रहे हैं, किंतु हम कैसे मान लें? बुद्धिहीन मूर्ख गर्दब उल्लू के पुत्र हैं आप। अरे वाह, तुम तो सुनाई भी महाराज जैसे दे रहे हो। सारी को पकड़ लो। अरे मूर्खो, हमें नहीं, इस बेरुपिये को। जय हम शीघ्र ही सत्य का पता लगा लेंगे। महारानी तुलसी, पार्वती, कुमकुम, कमलिका। क्या आप इन्हें पहचानती हैं? ये स्वयं को महाराज सूर्यभान बता रहे हैं। बता क्या रहे हैं, हम ही हैं सूर्यगढ़ के राजा महाराज सूर्यभान। हम नहीं पहचानते। महारानियों स्मरण कीजिए, हम ही हैं जिसके लिए आप लोग व्रत रखती हैं, पूजा अर्चना करती हैं। हम जब तक भोजन न कर लें, आप लोग भोजन का एक निवाला नहीं लेती। हम ही हैं सुनैना और प्रताप के पूज्य पिताश्री, आपके प्रिय प्राणनाथ सूर्यभान। सूर्या सुरु सु हमारे पास एक ईडिया है। अब सत्यदेव ही तुम्हारे सत्य और असत्य का निर्णय करेंगे। सैनिकों इसे मूर्ति के पास ले चलो। हमें खेद है कि हमने तुम्हें इतना कष्ट दिया। कष्ट तत पगली से बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अर्थात अर्थात पता है,
तुम्हारे मुंह से अर्थात सुनना मेरे कानों को कितना अच्छा लगता है। अच्छा अर्थात 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 दात दूध अति दात ये दूध सारथी संजय यहाँ क्या कर रहा है? सैनिकों पकड़ लो इसे। चुप अति चुप सैनिकों पकड़ लो। अरे मूर्ख हमें नहीं उस धूर्त सारथी को। अरे यार सेनापति जी अभी सत्यदेव ने खुद मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया तो फिर ये सब क्यों? रुको क्या हो रहा है यहाँ? राजकुमारी जी ये बहुरूपिया स्वयं को महाराज सूर्यभान बता रहा है। सत्य जानने के लिए हम इसे सत्यदेव की मूर्ति के पास लाए हैं। पुत्री इसे बताइए कि हम ही हैं सूर्यगढ़ के राजा महाराज सूर्यभान। पिताश्री यदि मुक्त हो गए तो संजय की मृत्यु निश्चित है। फिर सत्यदेव की बात सत्य कैसे होगी? सेनापति हमें भ्रम है कि ये हमारे पिताश्री है या नहीं। जल्दी खोल दे यार। पकड़ो पकड़ो ये भाग रहे हैं। चुप चुप थ्रोन पे बैठ कर उड़ जाओ। हाँ ठीक है चुप हो जाओ। जल्दी आओ जल्दी जल्दी। डिसूजा क्या कर रहा है तू नहीं आ रहा है? तुम थ्रोन पे बैठ कर उड़ जाओ मुझे कुछ और काम है। और हाँ ये लो प्लूटोनियम। प्लूटोनियम लेकिन तुम्हें कैसे मालूम ये मूर्ति प्लूटोनियम है? अरे तुमने ही तो बताया था ना। मैंने कब बताया? बस बैठो जाओ। हाँ हाँ ओके। ए, पकड़ो इसे। अरे पकड़ो। अरे पहले बटन छोलू फिर आपके पैर छोलूंगा ससुर। अरे ठीक है आराम से अपना समय लीजिए। क्या ए, अरे कहाँ मर गए सबके सब सैनिकों? बैकी को भी अभी डाउन होना था। क्या करूं? प्लूटोनियम प्लूटोनियम इसको कहां फिट करते हैं यार? किस ये हाँ सेनापति वो भाग रहा है। चुप बहुरूपिये अरे यार ये रिजेक्ट क्यों कर रहा है? सैनिकों सावधान लक्ष्य। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।